बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां पूरी तरह से कमर कस चुकी हैं। इसी कड़ी में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लगातार अपने कार्यकर्ताओं के साथ, पार्टी के दिगर जिम्मेदारों के साथ लगातार मीटिंगें कर रही हैं और ये लक्ष्य तय कर रही हैं कि आने वाले चुनाव में 2020 के चुनाव परिणाम से भी बेहतर रिजल्ट दिखाना है। इसी मौके पर पार्टी के कोचाधवन प्रखंड अध्यक्ष असलम साहब से टीम गांव मोहल्ला ने बातचीत की। उन पर कई तरह के गंभीर आरोप भी लगाए जा रहे हैं। लोग यानी उन्हीं के पार्टी के लोग कहते हैं कि जिस तरीके से एक प्रखंड अध्यक्ष को सक्रिय होना चाहिए, असलम साहब उतने सक्रिय नहीं दिख रहे हैं। आइए इस पर उनका क्या रिएक्शन है, क्या प्रतिक्रिया है। देखिए, यह आरोप सरासर गलत है। मैं वक्फ बोर्ड के तरमीमी बिल में मैं सदर साहब के साथ पूरे जिला का सैर किया, साथ में रहा। हो सकता है कि आपने मुझे नहीं देखा हो, अलग सी बात है। मीटिंग में मैं हर मीटिंग में आता हूं, आज भी आप देखिए मैं हूं और समर्पित कार्यकर्ता हूं। मैं कोई नया चेहरा नहीं हूं, अब्दुल ईमान के साथ कदम ब कदम हमेशा उनके साथ चला है और आज भी हैं, कल भी रहेंगे इंशाल्लाह, कहीं कोई दिक्कत नहीं। मजलिस के बैनर तले जिन नेताओं को जीत मिली, बाद में उन्होंने पार्टी का दामन छोड़ दिया, दूसरे दल में चले गए, इस पर भी असलम साहब ने बड़े ही बेबाकी से अपनी बात रखी। इस कोई आदमी के आने और चले जाने से पार्टी खत्म नहीं होती है। वहाँ काम होता है कार्यकर्ताओं से, काम होता है वोटरों से, फैसला वोटर लेते हैं और आज भी वोटर्स हमारे मजलिस के साथ है। कार्यकर्ता, समर्पित कार्यकर्ता आज भी टस से मस नहीं है, वो जहाँ थे वही हैं, कहीं इधर उधर नहीं गए। हमारे लोग चले गए, इसका अफसोस है कि वो क्यों गए, ये उनका फैसला इस बार 25 में पता चल जाएगा कि वो कैसा फैसला लिए थे। उसको सूझ समेत हमारे यहाँ के आवाम वापस करेंगे इंशाल्लाह। असलम साहब से ये भी पूछा गया कि क्या आने वाले विधानसभा चुनाव 2025 में कोचाधामन से क्या वो खुद को उम्मीदवार के तौर पर देखते हैं। ये भी जानना चाहा कि क्या अगर पार्टी उन्हें उम्मीदवार बनाती है तो उम्मीदों पर खड़े उतरेंगे। देखिए, हम लोग समर्पित कार्यकर्ता हैं, कोई लोभ प्रलोभ के वजह से इस पार्टी से जुड़े हुए नहीं है कि मुझे चुनाव लड़ना है। ये चुनाव लड़ना नहीं लड़ना ये हमारे पार्टी के पदाधिकारी जो हैं, वरिष्ठ जो लोग हैं, वो लोग तय करते हैं। जिसको अच्छा समझेंगे उसको टिकट देंगे और हम लोग उनके साथ हैं। मुझे मौका मिला, ठीक है, नहीं मिला कोई शिकायत नहीं। अब्दुल ईमान साहब ने एक बात कही कि ये जो ऑनलाइन मेंबरशिप की जो मुहिम चलाई जा रही है, तो उन्होंने कहा कि जिनका मैक्सिमम जो है साहब रिजल्ट रहेगा उसको उस हिसाब से इनाम दिया जाएगा। मुमकिन हो कि उनको आने वाले दिनों में उसी बिहार पर जो पार्टी तय करेगी कौन से उम्मीदवार होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये होना ही चाहिए, इसलिए कि जमीनी सतह में जो आदमी काम करे उसको उसका इनाम मिलना चाहिए। 5,000 का टारगेट आपको दिया गया है, जी, तो जी, जी। से कितने जो है क्या मेंबर्स की उम्मीद करते हैं? 5,000 प्लस रहेगा इंशाल्लाह, ये तो उनका गृह क्षेत्र है। यहाँ पर तो टोटल लोग मजलिस के में काम करते हैं और कार्यकर्ता की कमी नहीं है। हम लोग चाहेंगे कि जमीनी सतह में जो लोग हैं उनको जोड़ेंगे। 5,000 बहुत कम नहीं है सर, क्योंकि एक लंबे 15-20 साल तक आप एक पंचायत के जो है प्रतिनिधि रहे हैं सर, तो 5,000 से कई गुना तो आपके यहाँ है, आप ही के लोग हैं, सारे लोगों को जोड़ देंगे तो मैंने तो बोला कि 5,000 प्लस होगा, नीचे नहीं होगा, 10 करोड़ करेंगे इंशाल्लाह। आखिर में उनसे जानना चाहा कि उनका कोचाधामन के लोगों के लिए क्या संदेश है, क्या पैगाम है, तो आइए वीडियो में जानते हैं कि कोचाधामन की जनता के लिए असलम साहब ने क्या कहा है। कोचाधामन और किशनगंज के जनताओं से मेरा एक ही गुजारिश है कि हमारे सदर साहब हमेशा दबे कुचले लोगों का क़यादत किए हैं, ये किसी ओहदा के लिए कभी लड़ाई नहीं लड़े। बस यहाँ पर जो मजलूम लोग हैं, जो जिस पर अन्याय हो रहा है, जो दबे कुचले लोग हैं, जिसकी कोई आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, जिस मुद्दों को लोग उठा नहीं रहे हैं, वो सारे मुद्दे हमारे सदर साहब उठा रहे हैं, चाहे वो क्षेत्र शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे रोजगार के क्षेत्र में हो, बाढ़ के क्षेत्र में हो, गरीबी के क्षेत्र में हो, जितने भी क्षेत्र हैं सभी क्षेत्रों से मूल मुद्दा को उठाने का काम करते हैं और इंशाल्लाह वो कामयाबी हुए हैं इस मामले में।